चौधरी देवीलाल जी से पल पल हमने बहुत कुछ सीखा है। एक बार हम 22 गांवों का कार्यक्रम करके दिल्ली हरियाणा भवन में जाकर के ठहरे। एक कमरे में हम ठहरे हुए थे, एक कमरे में वो ठहरे हुए थे। हम जो उनके साथ सहयोगी सहायक के तौर पे रहते थे, हम आपस में चर्चा करते करते इस बात पे आ गए कि आज तो थक गए। हमने देखा नहीं, वो हमारी पीछे आकर के खड़े हुए थे। तो चौधरी देवीलाल जी ने मेरे सिर पे अखबार जो उनके हाथ में फोल्ड किया हुआ था वो मारा और कहा कि 80 साल की उम्र में तेरा दादा अब तक नहीं थका, तू आज 27 साल का नौजवान थकने की बात करता है। उस दिन से मैंने अपनी डिक्शनरी से थकावट शब्द का नाम परमानेंटली हटा दिया और उसके बाद मुझे आज तक कभी थकावट